हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मौजूद हैं जिनका नाम है फवाद हुमायूं। जी सर, कैसे हैं आप? वैसे ही गंदा मैला। अच्छा, बिस्ती जी नहीं होगी? जी सर, आप मुझे ये बताएं कि आपने इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फिल्म्स की हैं, पाकिस्तानी मूवी करने का क्या इरादा है? देखें, दुनिया में 3 सुपरस्टार हैं। अच्छा, एक बॉबी देओल, एक ऋतिक रोशन। अच्छा, तो सोचें तीसरा कौन? तीसरा कौन है? मैं आपके सामने। ओह माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वाह, ये तो बहुत लोल हो गया। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, आपने इतनी सारी मूवीज की हैं, उन सब मूवीज में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी अपनी शादी की मूवी। रियली? वो तो मैंने देखी नहीं। सर, आपकी खूबसूरती से रिलेटेड एक सवाल करना चाहूंगी, क्या आपके इतनी ग्लोइंग और इतनी वाइट वाइट स्किन का क्या राज है? जिंदगी में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौन? एक आसरा और एक रास्ता। सवाल तो कुछ और ही की है। चले छोड़े इस बात को। अब मुझे आप ये बताएं कि आपके इतने खूबसूरत बालों का क्या राज है? आप इनके लिए कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? अब तो जदीद दौर आ गया, साबुन तो खत्म हो गया, सिर्फ उससे बाल शाइन ग्लो करते हैं। ओ, बढ़ते हैं, देखे ना, चमक रहे ना बाल। आज तक मुझे इतनी अच्छी टिप किसी ने नहीं दी। वैसे मैं ट्राई करूंगी, मेरे बाल खूबसूरत। रात को लगाएं सिर्फ और सुबह धो दें। ओ माय गॉड, इसका मुझे पता नहीं। ये शाइन देखे, चमक रहे हैं ना, दूर से पता चलता है। जी नहीं, ये मेरा शो है, इनके सेट पे मैंने अपना शो शुरू किया है। वो मेहमान कदरदान जो यही जी आसी शो का नाम है, हीर ज़ारा के मेहमान। तो ये कौन है हीर ज़ारा? मी। अपना शो पे बाद में करना ना। अभी नहीं, कौन है? अभी नहीं, ये बदर खान है, ये आज के गेस्ट हैं। ऐसे मैंने इनको कभी देखा नहीं। हाँ, सेम टू यू। ओके ओके, अभी एक लिए ना, ये मेरा आज के गेस्ट हैं। ये मेकअप वाला नहीं है? मेकअप वाले को बिठा के अब शो कर रही थी। वो भी एक आर्टिस्ट। इधर आओ, इधर आओ। यू नो, मेकअप वाला भी एक आर्टिस्ट होता है ना। अच्छा, तो अब मैं इधर बैठ जाऊं या बैठे? अच्छा, आपने तो नहीं बैठना। प्लीज आप ये लेकर जाओ। और मैं नशोरीन, मैं हूँ आपका होस्ट शेख कासिम, और आप देख रहे हैं मेहमान कदरदान। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे आज के मेहमान हैं। गेस्ट भी वही होता है, मेहमान भी वही होता है, एक ही चीज़ होती है। जी जी, ये एक ही चीज़ है। मतलब मेरा कोई नाम भी है? जी जी, इनका एक नाम है। तो मेरा नाम बदर खान है? इनका नाम बदर खान है, इनके बकौल। तो ये इनके बकौल? मतलब आपने कहा है ना, आप बदर खान हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ ना। ये कौन से शो में आ गया? ठीक है, चल मैं सवाल, वैसे मैंने नोट किया है कि मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ? अभी आप वही हैं ना जो मेरे साथ आए थे अंदर। वाह, बहुत अच्छी, बहुत हंसी वाली बात की है ना। आप वही हैं ना? मैं वही हूँ भाई। मुझे कहा था कि आपके शो में आना है, लेकिन आपको तो मेरे नाम का भी नहीं पता। नहीं नहीं, आपने भी बताया है कि आपका क्या नाम है। आप बताएं। मुझे भूल गया, मुझे ना भूलने की आदत है। अगर मैं ये भूल जाऊँ कि मेरे सामने कोई इंसान बैठा है और मैं कोई टक्कर वक्कर मार दूं, तो फिर आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा? टक्कर आप मारेंगे? मेरा नाम बदर खान है। नहीं, आप बकरे हैं जो टक्कर मारेंगे। अच्छा अच्छा, एक आप कभी उधर गए हैं म्यूजियम या जू? म्यूजियम कौन सा म्यूजियम? कभी आप जू में रहे हैं कुछ अरसा? यार, मैं तुम्हें मतलब कुछ जानवर लग रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, उधर भी घर होते हैं ना, तो मुझे लगा शायद आप उधर रहे हैं कुछ ऐसा। एक पिंजरा मैंने वहाँ पर देखा था, खाली था, और वहाँ पर बाहर आपकी फोटो लगी हुई थी। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे ना मुझे बताएं, ये पिक्चर्स का फॉल्ट है, मैंने आपकी पिक्चर्स देखी हुई थी, तो मुझे मगर आप आज दिखाई दिए तो मुझे पता लगा आपका मुँह वाकई बहुत बड़ा है। क्या बकवास है ये? चले चले, मैं क्या बात करूँ, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ।
अच्छा मुझे बताएं ये आपने ये जो आज हुलिया बनाया कुछ गए कवाली से आ रहे हैं कवाली हुलिया मतलब क्या शादी से कवाली नहीं मैंने मतलब इतना अच्छा ड्रेस पहना है ये मेरे कपड़े महंगे कपड़े हैं ये मेरे डिज़ाइनर ने ये बनाया है तो इसको आप कह रहे हुलिया बना रखा है ये हुलिया है मुझे एक चीज़ बताएं अगर आप मुगलिया ठीक है टाइम पे होते हैं ठीक है तब आप बादशाह के महल में क्या कर रहे होते हैं तुम्हारा सर कलम कर रहा होता मैं नहीं होता मतलब जल्लाद अगर मैं उस वक्त हो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं हो सकते चलें आप भी हैं मैं भी हूँ आप क्या कर रहे हैं मैं बादशाह सलामत से कहता है कि आलिजा बराए मेहरबानी मुझे एक बंदे का सर उतारने की इजाज़त दी जाए तो बादशाह ने कहना था इजाज़त है सारे का सारा काट डालो मुझे शक है या तो आप उधर मस्करे लगे होते या आप मुंशी लगे होते मुंशी मतलब क्या आप मैंने कभी कभार आपके ना देखे आपने सफेद कपड़े पहन के सफेद टोपी पहन के आप बिल्कुल मुंशी लग रहे होते वो मैं अपनी शोब में कभी कभी बन जाता हूँ CIA में मुंशी लेकिन हर वक्त मैं मुंशी नहीं रहता अच्छा नहीं आप मैं वजीर भी तो हो सकता आपका मुंह भी मुंशियों वाला है ना नहीं थोड़ा सा अच्छा मुझे बता कि शादी होगी हाँ जी मेरी शादी होगी क्यों कैसे हुई नहीं बताए ना स्टोरी यार ये क्या सवाल है कैसे हुई का तो मैं बता सकता हूँ क्यों हुई का क्या जवाब दूँ मैं कैसे हुई बस ठीक है मैं जवान हो गया घर वालों ने कहा कि तुम्हारी शादी करनी चाहिए मैंने कहा जी कर तो आपने कर ली हाँ जी मैंने कर ली अगलों ने भी कर ली हाँ तो उन्होंने करनी थी जाहिर है जब मैंने रिश्ता भेजा तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया शादी हो गई अच्छा मेरे दो बच्चे भी हैं अच्छा मुझे ना ABC सुनाए मगर उल्टी ABC आपने सुनानी है और एक सांस में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ सुना दी ये आपने जो सुनाई है वो रॉन्ग है अच्छा ये गलत है हाँ 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 तो आप उल्टी सुना मैंने सिर्फ ABC कहा था अच्छा ABC का उल्टा होता है CBA एक साथ में CBA मैंने ABCZ तक नहीं आपको कही थी इतने तुम जीनियस हो वैसे तुम शक्ल से लगते नहीं हो थैंक यू तो शक्ल से यही लग शक्ल ये मतलब शो रिकॉर्ड नहीं कर रहे नहीं साथ साथ हो रहा है मैं ना पफिंग कर रहा है वो तुम्हारी पफिंग मतलब खत्म हो जाती थोड़ी देर के बाद नहीं थोड़ी देर बाद ना पसीना आ जाता तो वो ठीक कर रहा होता किस बात का तुम्हें पसीना आता है तुम इतने को जिम्मेदार आदमी तो हो नहीं उनको भी कर दो मुझे ठीक है मुझे ठीक है भाई ठीक है मैं करवा के आया हूँ ये शो के बीच में मेकअप भी हो रहा है चले ऐसा करें 1 2 3 सुना दे 10 तक ऐसे नहीं ऐसे अच्छा ऐसे नहीं। आपने ना नाक ऐसे करके ना ऐसे ऐसे करके सुना ऐसे कर नाक ना अपनी ऊंची करके सुना बुरा नहीं लगेगा नहीं स्क्रीन पे नहीं आपका मुंह ऐसे कोई नहीं बुरा लगेगा 10 9 8 नहीं 1 2 3 10 तक उल्टी नहीं मैं कह रहा अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आप वो ही सब कुछ कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ आप ऐसे क्यों हैं नहीं मतलब मैं 5 से शुरू कर नहीं मैं आपको कहूँगा आप कुएं में छलांग मार दे आप छलांग मार देंगे मैं तो तुम्हारे शो में आया हूँ मैंने कहा पता नहीं ये भी कोई आइटम होगा ये उल्टी चीज तो ना आप करें यार अच्छा नहीं लगता किसी के शो में आए एज अ गेस्ट और आप ऐसे नाक कर रहे हैं अच्छा तो मुझे आपके सामने बैठ कर भी नहीं लग रहा बिल्कुल आप तो बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लग रहे मेरे लिए आप यानी कि डेड हो गए हैं टीवी पे ठीक है तो चल चले और घर पर आपका सही चल जाता है इतने पैसों में हाँ जी चल जाता है गुजारा हो जाता है बड़ा अच्छा तो आपने कभी सोचा नहीं कि आपको अपने प्रोफेशन को चेंज करना मुझे बताया अच्छा मैं भी करना चाह रहा हूँ सवाल पहले मुझे कर दे प्लीज मुझे ये बताएं आप जैसा अगर पेट मेरा शो मत खराब करें तो मुझे बताएं पेट में कोई बात रह सकती है कि नहीं मेरा शो खराब मत करें नहीं रह मुझे सवाल करने दें जी आप मेरे सवाल चलो कर लो प्लीज अच्छा छोड़ ये फजूल है कि मैं आपको भी छोड़ दिया इसको भी छोड़ दिया सर खा लिए आप दोनों मुझे नहीं छोड़ सकते इस वक्त वैसे आप पहले मेरे सवालों के जवाब दें फिर हम आपको छोड़ दें अच्छा जी बताइए अच्छा मेरे सवालों के जवाब दें अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरा एक नाखून टूट गया है ठीक है अब मैं बाकी सारे नाखून भी काट दूं या फिर इसके बढ़ने का वेट करूं मेरा ख्याल है बाकी नाखून भी काट ही दें आप कितना अजीब लगेगा फिर हाँ जब एक नहीं है तो बाकी तो अजीब से लगेंगे नहीं मैं इसके बढ़ने का वेट कर अच्छा भाई मैं यही चाह रहा था आपसे मुझे एक चीज बताएं अगर ये दुनिया बोल चुप नहीं मुझे एक सवाल मैं करूंगा एक तुम करोगे नहीं ऐसी कोई बात मैं नहीं बोलता अच्छा एक चीज मुझे बताएं दुनिया ठीक है अगर गोल ना होती कुछ और होती तो कौन सी शेप में होती और क्यों होती और तब क्या मसले आते
दुनिया मेरे ख्याल अगर गोल अच्छा मेरे दूसरे आपका सवाल उन्हें जवाब तो देने दो आप सिर्फ आप मेरा देंगे जो आप देने मुझे मेरी तरफ से आपको भी जवाब है और आपको भी जवाब है साफ अच्छा इसी इसी खुशी में मेरे सवाल का जवाब नहीं नहीं अच्छा पहले मेरे मोबाइल की बैटरी ना बहुत जल्दी खत्म हो जाती है तो अब मुझे ये बताएं कि बैटरी का फॉल्ट है या फिर 4G ज्यादा यूज करने से फोन की बैटरी बहुत अच्छी है मैं कहां यूज कर सकता हूं वो मुंह में लगवा लो ताकि कम से कम ये रवानगी तो आए ये करो ये तो ठीक हो जाए ये आपके कान असली हैं या फिर ये इतने बड़े नहीं बकरे के लगे हैं ना मुझे बल्कि गधे के कान मुझे ये बताएं कि मेरा मेकअप बहुत जल्दी उतर जाता है कोई ऐसी टिप बताएं कि मेकअप ज्यादा देर स्टे करे इसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करा लो शापर चढ़ा लो इसके ऊपर शापर एक वाटरप्रूफ भी वैसे शापर सस्ता आईडिया है आजकल बाल बड़े गिरे तो मैं क्या करूं बाल इसके ऊपर तुम ना मेरे पेट्रोल लगाया बहुत बुरी बात आई मेरे जेन में नहीं मतलब तेजाब से धो लो साफ हो जाएंगे आप पूछते जाए बस आप जल्दी जल्दी है मुझे छोटे बाल अच्छे लग रहे हैं या फिर लंबे बाल अच्छे लगे लेकिन अगर आप गंजी हो जाए ना तो बहुत क्यूट लगे really? हाँ, मुझे जैसे मैंने सुना बाहर के मुल्क में ये फैशन है गंजे हाँ, मुझे भी मैं अपने बाल कटवाऊं या और लंबे नहीं तुम सारी गर्दन कटवाओ बगैर गर्दन कितने अच्छे लगोगे ज्यादा ज्यादा नुकसान ही होगा अभी टाई नहीं लगा सकोगे लेकिन तुम प्यारे बहुत लगोगे वो तुम्हारा है ही नहीं तुमने कुछ लगाया तो नहीं ना नहीं ये गॉड गिफ्ट है तुम्हें तो वैसे ही मुझे भी गॉड अच्छा अच्छा ठीक है नहीं लोग हमेशा रंग गोरा करते काला तो कोई नहीं करता हाँ लेकिन जो काला पीछे से होके आया हो उसको तो गोरा नहीं किया जा सकता जैसे तुम्हारा नहीं या जा सकता है वो रंग गोरा करने वाली क्रीमें कब काम आएंगी अच्छा तो आप इस्तेमाल करते रंग गोरा अगर मैं करता होता तो मेरा रंग आप जैसा ना हो जाता अच्छा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना आपने किया हुआ है मैंने नहीं किया मैं चले न, yes. आप ना माने नहीं तो वो शो हम कब शुरू करने वाले जिसके लिए आपने मैं बुलाया अच्छा सर मुझे बताएं हाँ एक ना एक सेगमेंट करते हैं उसका नाम है इशारे सेगमेंट इशारे। मैं आपको मुख्तलिफ इशारे करूंगा आपने बताना है ये मैं क्या कर रहा हूँ अच्छा ठीक है कोई ऐसा वैसा इशारा किया ना तो देख लेना फिर अच्छी बात जानवर वाला आपने बताना है ये कौन सा जानवर है अच्छा पहला तो जानवर मैं कह सकता हूँ ना कि ये बंदर है नहीं नहीं अच्छा अभी शुरू नहीं किया अपने मुतालिक नहीं आपने कुछ बताना दूसरे जानवरों के बारे में बताना है अच्छा मुझे बताएं ये वही है बंदर जो मैंने आपको बताया नहीं 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 बिल्ली 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 क्लॉज है ना वो बिल्ली ऐसे ऐसे करती अच्छा वैसे इतनी बुरी बिल्ली मैंने कभी नहीं देखी है ना ये क्या ये मेहमान कदरदान का होस्ट नहीं ये कैमल था कैमल हाँ ये कैमल के कान है ये कैमल का मुंह है तुम्हारी तुम्हारा शो है जो मर्जी बनाओ कैमल बना लो चले चले अच्छा मुझे बताएं ये क्या ये वो कहते हैं चिड़िया नहीं नहीं बकरा बकरा ये बकरे के सिंग है जो टक्कर मारते हैं ना जो आप बता रहे थे टक्कर मारता है वो इस सिंगों से टक्कर मारते ये इसका मुंह है आपको पता ही नहीं है नहीं मैं इस दुनिया में रहते नहीं हूँ हाँ 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 अच्छा अच्छा मुझे बताएं ये क्या बंदर नहीं 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 चिंपैंजी अच्छा हाँ वो और वाला टाइप का होता है ना बंदर वैसे तुम इतनी शक्ल से ना समझदार लगते नहीं हो जितने तुम हो थैंक यू अच्छा मुझे बताएं ये क्या हाथी नहीं नहीं ये ना हाथी का बच्चा छोटा आप मुझे एक मिनट में फोन एक हाथी होता ना वो ये होता अच्छा हाथी का बच्चा ये यानी छोटी सूंड है ना उसकी अच्छा हाथी और होता है और हाथी का बच्चा और होता है ठीक है ना हाथी ये ठीक है हाँ। बड़ी सूंड हाँ। ये छोटी सूंड तुम कौन चले, हो यार? नहीं, नहीं, मुझे बताओ अच्छा, कि अच्छा, तुम कौन हो चले आपके सारे रॉन्ग हो गए हाँ जी सारे रॉन्ग सॉरी खत्म सब रॉन्ग हो गए आपको ना जानवरों के ना आपकी इन्फॉर्मेशन हाँ जानवरों के बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जीरो है मतलब देखो मेरे सामने बैठा और मुझे नहीं पता चल रहा अच्छा लास्ट टाइम आपको शर्म कब आई थी शर्म का कोई टाइम नहीं होता किसी वक्त भी आ सकती लास्ट टाइम कब आई थी वैसे तो अब आ रही है ये सवाल तुम्हें कौन बताता है ये कहाँ से लिख के लाते हो तुम ये एक है बंदा अच्छा मुझे मिलाना जरा उससे जो तुम्हें ये सवाल लिख के दे रहा है और वो बंदा भी मुझे जरूर मिलाना जिसने तुम्हें कहा कि तुम ये शो करो अगर मुझे बताया दो
2000 की टिकट अगर फ्री मिल रही हो तो आप जाएंगे? मैं आपको और ये जो जारा वीर है या जो हमारी जो भी हीर है इस दोनों को भेजूंगा और छोड़ के आऊंगा। दो ही मिल रही टिकट, एक 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 ही मिल रही। अच्छा। आपको मिल रही है ना, आपका नाम लिखा उस पर। अच्छा, नाम लिखा हुआ तो आप जाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि ये बंदा मेरे साथ जाएगा, मैं अकेला नहीं उधर। इसी के साथ चलते हैं हम एक अपने सेगमेंट की तरफ। अच्छा, एक सेगमेंट सेगमेंट। हाँ हाँ, ये हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कटहरा सेगमेंट। ठीक है, कटहरा। उसमें जो सवाल करूंगा आपने सच सच जवाब देना, झूठ नहीं बोलना। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं कटहरा सेगमेंट की तरफ। कटहरा सेगमेंट, इसमें जो सवाल करूंगा आपने सच सच जवाब देना। जी मैं आ गया कटहरे में। अच्छा मुझे बताएं कि आपके, मैंने सुना है गुलाब जामुन थिएटर के नाम से आपने कोई थिएटर शुरू किया हुआ है, कौन सा थिएटर है? गुलाब जामुन नहीं, बर्फी थिएटर प्रोडक्शंस मेरी कंपनी है, थिएटर कंपनी है। बर्फी एक ही बात है ना, गुलाब जामुन हो बर्फी हो, एक डब्बा मिठाई का आता है उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। नहीं, बर्फी ज़रा चौड़ी होती है, गुलाब जामुन गोल होता है। अब मैं तुम्हारे स्टाइल में तुम्हें जवाब दूँ जरा। अच्छा, आपने एक ऑनलाइन शो शुरू किया था, ठीक है, बल्कि शो शुरू किया, उसका नाम है गुंडागर्दी। तो गुंडागर्दी तो आप इंटरनेट पर गुंडागर्दी क्यों करते हैं? गुंडागर्दी नहीं, मजाकगर्दी। तो ये गर्दी में क्या करते हैं? इसमें मैं जो उर्दू अदब के नामवर मजाह निगार हैं उनकी शाहकार तहरीरें और उनके मजामीन पढ़ता हूँ। आपने दास्तान मंटो भी कुछ किया था? हाँ, ये अपना वो दास्तान कोई, असल में ये एक फ़न है जो इंसान की, सोच लो तो पहली इंटरटेनमेंट थी दास्तानें और किस्से सुनाना। तो ये एक वो रिवायत थी जो ख़त्म हो गई थी सदियों पहले, तो उस चीज़ को मैं दोबारा से रिवाइवल करने के लिए, ज़िंदा करने के लिए वो मैं दास्तान गोई पे काम कर रहा हूँ। तो वो मैंने पहली दास्तान सुनाई है, दास्तान मंटो, मंटो साहब की, सागर सर मंटो साहब की ज़िंदगी और उनके फ़न के मुतालिक, ये अभी वॉल सिटी लॉर अथॉरिटी में निकलवाया। ठीक है ठीक है। ये मंटो साहब ने आपसे, आपने उनसे पूछा था? मंटो साहब, मंटो साहब वफात पा चुके हैं। ओके, ओहो, आपको ये भी नहीं पता? मुझे नहीं पता था। अच्छा, कब हुए फौत? 1954 में। अच्छा, मैंने सुना है कि इंडिया में आपकी बड़ी जान पहचान है, यानी उधर ज़्यादा लोग आपको पहचानते हैं, ज़्यादा लोग जानते हैं, मगर आप फिर उधर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? नहीं, शिफ्ट होना मतलब, ये पाकिस्तान मेरा मुल्क है, वहाँ पर मैं काम करने के लिए जाता। कैसे गए इधर? कोई हमें दूसरे खाना नहीं पूछता, आपको इंडिया वालों ने कैसे पूछ लिया? बस हो गई कहीं काम बात देख के, हमारे अपना डायरेक्टर साहब है पंकज सरस्वत जी, बस उनको, उन्होंने कहीं देखा हमें, बुलाया, कोई हमारा काम वाम देखा तो उनको अच्छा लगा तो वो बुलाते रहते, तो हम उनका काम करने के लिए जाते। CIA तो नहीं उन्होंने देख लिया था? नहीं, CIA तो अब शुरू हुआ है, उससे पहले अब स्टेज वगैरह उन्होंने देखा होगा। स्टेज। अच्छा, आप स्टेज भी करते थे? स्टेज करता था जी, 2-3 साल पहले छोड़ा है। अच्छा, उन्होंने छोड़ा या आपने छोड़ा? जैसे समझने वैसे। क्यों, आपने क्यों छोड़ा? यानी कि आपको पता है स्टेज पे अब वो नहीं होता कुछ, अभी सिर्फ डांस चांस ही सिर्फ होते हैं? नहीं, ड्रामे होते हैं, बड़े बड़े अच्छे ड्रामे होते हैं, लोग इनके उसके लिए काम कर रहे हैं कि अच्छा ड्रामा भी होना चाहिए, बस मैं नहीं कर पा रहा वो यानी कि मैं भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं रख रहे मुझे। नहीं, वो सही कर रहे हैं, वो सही कर, आप भी सही कर रहे हैं, वो नहीं इतने अच्छे रहेंगे। नहीं नहीं, अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बस ये कि समझ लो कि ना वो मुझे रख रहे हैं ना मैं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे बता कपिल के बारे में बताएं। कपिल शर्मा? हाँ, कपिल शर्मा बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और बड़ा ही प्यारा बंदा है वो, और बड़ा बाअदब है। मैंने सुने वो पाकिस्तानी कॉमेडियन कोई कॉपी शॉपी करता है? नहीं, कॉपी शॉपी क्या, मतलब खुद गूंगा है वो, खुद बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, कॉपी का करना होता है वो, कुछ उसके एक्ट होते हैं वो कॉपीड होते हैं। अच्छा, ऐसी बातें बनी हुई मैंने तो नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं वो खुद, मतलब जो पीछे उसने कुछ 7-8 सीजन जीते हैं वो कॉमेडी सर्कस के, तो वो सारे कॉपी करके जीते। पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो खुद बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, उसको बड़ी आमद होती है वो। मैंने सुना उसके जोक्स आप लिखते हैं? जी, जोक्स नहीं लिखता, कभी कभी कोई एक्ट वगैरह लिख देता हूँ मैं, तो वो खाली मैं अकेला नहीं, और भी सारे बहुत सारे लोग हैं, 5-7-10 लोग होते हैं जो मिलके शो का स्क्रिप्ट लिखते हैं, और फिर वो खुद, अब कपिल शर्मा खुद एक आर्टिस्ट है। आप उधर जाके? जी, उधर भी जाके लिख लेता हूँ, इधर से भी लिख के मेल कर देता हूँ, भिजवा देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें चलें यार। वो कॉपी वॉपी नहीं मेरे ख्याल है, मैं, मुझे तो नहीं ऐसा कोई कॉपी, बातें बनी हुई थी। पाकिस्तान का सबसे अच्छा कॉमेडियन कौन है आपके ख्याल में? पाकिस्तान में सबसे अच्छा जो 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 जिन्होंने हमें प्यार किया, सारे अच्छे हैं, हर हर फूल की अपनी खुशबू है,
मतलब तो अमानुल्लाह साहब इज द कॉमेडी किंग, बादशाह हुए वो, फिर उमर शरीफ साहब मेरा ख्याल है सबसे अच्छे ना वो मीरा जी हैं, उनके जोक सबसे अच्छे हैं। हाँ, मीरा जी है वो तो फिर वो तो कॉमेडियन ही है। अच्छा, ये जफरी खान और आगा माजिद, इनमें से आपको कौन सा बेस्ट लगता है? दोनों ही बहुत अच्छे हैं। कोई एक चूज करना हो, जफरी खान को चूज करेंगे या आगा माजिद? आगा माजिद। आगा माजिद यानी जफरी अच्छा कॉमेडियन नहीं है? हाँ, आप मेरी उससे लड़ाई कर जरूर करवा देना। हाँ। नहीं, जफरी बड़ा अच्छा कॉमेडियन अच्छा है। तो आपने यानी वो आगा से कम है? कम नहीं है कम नहीं है, बराबर ही है। अच्छा है, उसका एक अपना स्टाइल है, आगा माजिद का अपना स्टाइल है। अच्छा, मैंने सुना आपने हलवा पूरी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था। तो मैं चाचे बस्से का बेटा हूँ, मैं हलवा पूरी में, या मैं साधक का बेटा। वो कौन से थे? पूरी, ओमपुरी। अच्छा, ओमपुरी को आपने? अच्छा अच्छा, यार ये बंदा कौन है, ये कहाँ से आया ये? अच्छा, वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ओमपुरी साहब को मैंने पाकिस्तान इनवाइट किया था। अच्छा, ओमपुरी को पाकिस्तान इनवाइट किया, फिर वो नहीं आए? आए। अच्छा, आए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक स्टेटमेंट आई कि मरने से पहले एक बार लाहौर देखना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा आर्टिस्ट हैं तो पता नहीं इनका कितना दिल करता होगा मेरे। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो वो कहने लगे हाँ मैं लाहौर देखना चाहता हूँ। सारे ही तकरीबन इंडियन आर्टिस्ट सारे ही देखना चाहते हैं लाहौर पाकिस्तान। टिकट आपने दी थी उन्हें? हाँ जी, मैंने ही भिजवाई थी टिकट। टिकट भी मैंने भिजवाई थी, वीज़ा लगवाया उनका, फिर यहाँ पर उनका प्ले किया, मेरी कंपनी बर्फी थिएटर ने वो प्ले किया। साथ में जो पीछे थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया सारा, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर थे, तो उन्होंने वो सारा अरेंजमेंट करने में मेरी मदद की। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और बर्फी थिएटर, उनके कहने पर ये सारा कुछ हुआ। इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ, एक बहुत जरूरी बात करनी है कैमरे में देख के, आखिरी बात, फिर आप कर लेना। नाज़रीन, अब हमारे शो का टाइम हुआ जाता है ख़त्म। अपने प्यारे सी होस्ट हीर को इजाज़त दें हमारे खूबसूरत गेस्ट बदर खान के साथ। भी वही होता है, मेहमान भी वही होता है, एक ही चीज़ होती है। जी जी, ये एक ही चीज़ है। मतलब मेरा कोई नाम भी है? जी जी, इनका एक नाम है। तो मेरा नाम बदर खान है? इनका नाम बदर खान है, इनके बकौल। तो ये इनके बकौल मतलब? आपने कहा है ना आप बदर खान हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ ना। कौन से शो में आ गया? ठीक है, चल मैं सवाल, वैसे मैंने नोट किया है कि मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ? अभी आप वही हैं ना जो मेरे साथ आए थे अंदर? वाह, बहुत अच्छी, बहुत हंस बात की है ना, आप वही हैं ना? मैं वही हूँ भाई। मुझे कहा था कि आपके शो में आना है, लेकिन आपको तो मेरे नाम का भी नहीं पता। नहीं नहीं, आपने अभी बताया है कि आपका क्या नाम है। आप बताएं। मुझे भूल गया, मुझे ना भूलने की आदत है। अगर मैं ये भूल जाऊं कि मेरे सामने कोई इंसान बैठा है और मैं कोई टक्कर वक्कर मार दूं, तो फिर आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, टक्कर आप मेरा मारेंगे? नाम बदर खान है। नहीं, आप बकरे हैं जो टक्कर मारेंगे आपके। अच्छा अच्छा, आ, 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 एक आप कभी उधर गए हैं म्यूजियम या जू? म्यूजियम कौन सा म्यूजियम? कभी आप जू में रहे हैं कुछ अर्सा? यार मैं तुम्हें एक मतलब कुछ जानवर लग रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, उधर भी घर होते हैं ना, तो मुझे लगा शायद आप उधर रहे हैं कुछ ऐसा। एक पिंजरा मैंने वहाँ पर देखा था, खाली था, और वहाँ पर बाहर आपकी फोटो लगी हुई थी। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे ना मुझे बताएं, ये पिक्चर्स का फॉल्ट है, मैंने आपकी पिक्चर्स देखी हुई थी तो मुझे, मगर आप आज दिखाई दिए तो मुझे पता लगा आपका मुँह वाकई बहुत बड़ा है। क्या बकवास है ये? चले चले, मैं क्या बात करूँ, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, ये आपने ये जो आज हुलिया बनाया कुछ गए कवाली से आ रहे हैं? कवाली हुलिया मतलब क्या? शादी से कवाली? नहीं, मैंने मतलब इतना अच्छा ड्रेस पहना है, ये कपड़े महंगे कपड़े हैं, ये मेरे डिजाइनर ने ये बनाया है, तो इसको आप कह रहे हुलिया बना रखा है? ये हुलिया है। मुझे एक चीज बताएं, अगर आप मुगलिया ठीक है टाइम पे होते हैं ठीक है, तब आप बादशाह के महल में क्या कर रहे होते हैं? तुम्हारा सर कलम कर रहा होता। मैं नहीं होता। मतलब मैं जल्लाद, अगर मैं उस वक्त हो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं हो सकते? चलें, आप भी हैं मैं भी हूँ, आप क्या कर रहे हैं? मैं बादशाह सलामत से कहता है कि आलीजा बराए मेहरबानी मुझे एक बंदे का सर उतारने की इजाज़त दी जाए। तो बादशाह ने कहना था इजाज़त है, सारे का सारा काट डालो। मुझे मुझे शक है, या तो आप उधर मस्करे लगे होते या आप मुंशी लगे होते। मुंशी मतलब क्या? आप मैंने
कभी कभार आपके ना देखें आपने सफेद कपड़े पहन के सफेद टोपी पहन के आप बिल्कुल मुंशी लग रहे होते। वो मैं अपनी शोब में कभी कभी बन जाता हूँ CIA में मुंशी, लेकिन हर वक्त मैं मुंशी नहीं रहता। अच्छा नहीं, आप मैं वजीर भी तो हो सकता। आपका मुंह भी मुंशियों वाला है ना? नहीं थोड़ा सा। अच्छा मुझे बताओ कि शादी होगी? हाँ जी मेरी शादी होगी। क्यों, कैसे हुई? क्यों कैसे हुई नहीं बताए ना स्टोरी। यार ये क्या क्या सवाल है, कैसे हुई का तो मैं बता सकता हूँ, क्यों हुई का क्या जवाब दूँ मैं? कैसे हुई बस ठीक है, मैं जवान हो गया, घर वालों ने कहा कि तुम्हारी शादी करनी चाहिए, मैंने कहा जी कर दो। आपने कर ली? हाँ जी मैंने कर ली। अगलों ने भी कर ली? हाँ तो उन्होंने करनी थी, जाहिर है जब मैंने रिश्ता भेजा तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बस शादी हो गई। अच्छा मेरे दो बच्चे भी हैं। अच्छा मुझे ना ABC सुनाए मगर उल्टी ABC आपने सुनानी है और एक सांस में। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ सुना दी। ये आपने जो सुनाई है वो रॉन्ग है। अच्छा ये गलत है? हाँ हाँ हाँ। तो आप उल्टी सुनाई? मैंने सिर्फ ABC कहा था। अच्छा ABC का उल्टा होता है CBA, एक साथ में CBA। मैंने ABCZ तक नहीं आपको कही थी। इतने तुम जीनियस हो, वैसे तुम शक्ल से लगते नहीं हो। थैंक यू। शक्ल से यही लग रहा शक्ल ये मतलब शो रिकॉर्ड नहीं कर रहे? नहीं साथ साथ हो रहा है, मैं ना पफिंग कर रहा हूँ। तुम्हारी पफिंग मतलब खत्म हो जाती थोड़ी देर के बाद? नहीं नहीं थोड़ी देर बाद पसीना आ जाता तो वो ठीक कर रहा होता। किस बात का तुम्हें पसीना आता है? तुम इतने को जिम्मेदार आदमी तो हो नहीं। उनको भी कर दो, मुझे ठीक है, मुझे ठीक है भाई, ठीक है मैं करवा के आया हूँ। ये शो के बीच में मेकअप भी हो रहा है। चले ऐसा करें 1 2 3 सुना दे 10 तक। ऐसे नहीं ऐसे। अच्छा ऐसे नहीं। आपने ना नाक ऐसे करके ना ऐसे ऐसे करके सुना, ऐसे कर नाक ना अपनी ऊंची करके सुना। बुरा नहीं लगेगा? नहीं नहीं स्क्रीन पे नहीं नहीं आपका मुंह ऐसे कोई नहीं बुरा लगेगा। 10 9 8 नहीं 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 1 2 3 10 तक उल्टी नहीं मैं कह रहा। अच्छा हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आप वही सब कुछ कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, आप ऐसे क्यों हैं? नहीं मतलब मैं 5 से शुरू कर दूँ? नहीं मैं आपको कहूँगा आप कुएं में छलांग मार दे, आप छलांग मार देंगे। मैं तो तुम्हारे शो में आया हूँ, मैंने कहा पता नहीं ये भी कोई आइटम होगा। ये उल्टी चीज तो ना आप करें यार, अच्छा नहीं लगता किसी के शो में आए एज अ गेस्ट और आप ऐसे नाक कर रहे हैं। अच्छा तो मुझे आपके सामने बैठ कर भी नहीं लग रहा बिल्कुल, आप तो बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मेरे लिए आप यानी कि डेड हो गए हैं। टीवी पे ठीक है, कैमरे में नाक ऐसे करना अच्छी बात नहीं होती। मैंने पहले की है कि ये बुरा लगेगा तो आप फिर भी कर लिया ये। तो मुझे माफ कर दो मेरे बाप जी। कैमरा मेरी तरफ करें, ठीक है सब? हाँ मेरा शॉट बनाए ना, वो तो हमारी रिकॉर्डिंग सही आ रही हूँ, हो रही है, हो रही है। तो ये बीच में आ, चल मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ, आपने यहाँ पे सही से शौक होता है ना इसे थोड़ी देर बाद शौक पड़ते हैं। अच्छा तो ये चलते शो में ऐसे आप लोग चुप करते हैं प्लीज, शो शुरू हो गया मेरा। ऐसे नहीं कब बात करते गेस्ट है, बाद में है ना, फिलहाल तो नहीं है जी। नाज़रीन तो अब हम शुरू करने लगे हैं हमारा नया शो जिसका नाम है हीर ज़ारा के मेहमान। उसको हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने उसको छोड़ा था, लेकिन मेहमान जो हैं वो चेंज हो चुके हैं और इस वक्त हमारे पास मेहमान हैं ये, हम इनसे कुछ करेंगे सवाल। ये इनका कोई नाम भी है? जी वो मैं अभी बता रही हूँ। तो आज हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है बदर खान। बदर खान इधर लिखवा दो, इधर लिखवा दो बदर खान। हाँ ठीक है मुझे समझ आ गया। इनका नाम है बदर खान और ये बहुत ही मशहूर। आप क्या करते हैं? चुप कर दें प्लीज, मेरा शो खराब ना। उसको आप छोड़ें, हम अपना शो करते हैं कंटिन्यू। हाँ एक्सक्यूज मी, आप करते हैं वो आपका इंट्रोडक्शन? मैं ये सेट वेट लगा लेता हूँ, इधर को खाना वाना हो तो वो भी दे देते। सर छोड़ें इसे, करते क्या, मुझे इग्नोर करें आप, इंट्रो देना है। अच्छा सर ये एक चीज मुझे बताएं, इन्हें जो होता है आप जैसा बंदे का अगर पेट हो तो पेट बता दे यार, मुझे सवाल करना ये क्या करते क्या है आप? आज हमारे पास मेहमान मौजूद हैं बदर खान और ये बहुत ही मशहूर कॉमेडियन हैं और आज हम इनसे सवाल करेंगे जी। तो आप बताएं कि आपकी कॉमेडी कैसी जा रही है और घर में सब ठीक ठाक है ना? बड़ी शुक्र है जी, बड़ी अच्छी जा रही है, रोज की बस 150-200 रुपए की इनकम हो जाती है। अच्छा शाम को मैं अपनी कॉमेडी बंद कर देता हूँ, उसके अगर तारा लगा देता हूँ। और घर पर आपका सही चल जाता है इतने पैसों में? हाँ जी चल जाता है, गुजारा हो जाता है बड़ा अच्छा। आपने कभी
सोचा नहीं कि आपको अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहिए? अच्छा, मैं भी करना चाह रहा हूँ सवाल, पहले मुझे करने दे प्लीज। मुझे ये बताएं, आप जैसा अगर पेट मेरा शो मत खराब करें तो मुझे बताएं पेट में कोई बात रह सकती है कि नहीं? मेरा शो खराब मत करें, नहीं रह सकती। मुझे सवाल करने दें जी, आप मेरे सवाल, चलो कर लो कर लो प्लीज। अच्छा छोड़, ये फजूल है कि मैं आपको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, कितना सर खा लिए। आप दोनों मुझे नहीं छोड़ सकते इस वक्त? वैसे आप पहले मेरे सवालों के जवाब दें, फिर हम आपको छोड़ दें। अच्छा जी बताइए। अच्छा मेरे सवालों के जवाब दें। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरा एक नाखून टूट गया है, ठीक है, अब मैं बाकी सारे नाखून भी काट दूं या फिर इसके बढ़ने का वेट करूं? मेरा ख्याल है बाकी नाखून भी काट ही दें आप। कितना अजीब लगेगा फिर? हाँ जब एक नहीं है तो बाकी तो अजीब से लगेंगे। नहीं मैं इसके बढ़ने का वेट कर। अच्छा भाई मैं यही चाह रहा था आपसे, मुझे एक चीज बताएं, अगर ये दुनिया बोल मुझे एक सवाल मैं करूंगा एक तुम करोगे? नहीं ऐसी कोई बात मैं नहीं बोलता। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, दुनिया ठीक है अगर गोल ना होती कुछ और होती तो कौन सी शेप में होती और क्यों होती और तब क्या मसले आते? दुनिया मेरे ख्याल है अगर गोल। अच्छा मेरे दूसरे आपका सवाल, उन्हें जवाब तो देने दो, जवाब सिर्फ आप मेरा देंगे, जवाब देने मुझे, मेरी तरफ से आपको भी जवाब है और आपको भी जवाब है साफ। अच्छा इसी इसी खुशी में मेरे सवाल का जवाब नहीं नहीं। अच्छा पहले मेरा आंसर दें, मेरे मोबाइल की बैटरी ना बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, तो अब मुझे ये बताएं कि बैटरी का फॉल्ट है या फिर 4G ज्यादा यूज करने से? मेरे फोन की बैटरी बहुत अच्छी है, मैं कहां कहां यूज कर सकता हूं? वो मुंह में लगवा लो ताकि कम से कम ये रवानगी तो आए, ये कर रहे हो ये तो ठीक हो जाए। ये आपके कान असली हैं या फिर ये इतने बड़े नहीं, बकरे के लगे हैं ना मुझे, बल्कि गधे के कान हैं। मुझे ये बताएं कि मेरा मेकअप बहुत जल्दी उतर जाता है, कोई ऐसी टिप बताएं कि मेकअप ज्यादा देर स्टे करे? इसके ऊपर ना प्लास्टिक सर्जरी करा लो, शापर चढ़ा लो इसके ऊपर, शापर एक वाटर प्रूफ भी। वैसे शापर सस्ता आइडिया है, प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी है। बाल बड़े गिरे तो मैं क्या करूं? बाल इसके ऊपर तुम ना मेरे पेट्रोल लगाए, बहुत बुरी बात आई मेरे जेन में। नहीं नहीं फिर ना मतलब तेजाब से धो लो साफ हो जाएंगे। आप पूछते जाए बस, आप जल्दी जल्दी है मुझे छोटे बाल अच्छे लग रहे हैं या फिर लंबे बाल अच्छे लगे? लेकिन अगर आप गंजी हो जाए ना तो बहुत क्यूट लगे। Really? हाँ मुझे जैसे मैंने सुना बाहर के मुल्क में ये फैशन है गंजे। हाँ गंजे ना मॉडल। मुझे भी जरा बताएं, मैं अपने बाल कटवाऊं या और लंबे? नहीं तुम सारी गर्दन कटवाओ, बगैर गर्दन कितने अच्छे लगोगे, ज्यादा ज्यादा नुकसान ही होगा, अभी टाई नहीं लगा सकोगे। लेकिन तुम प्यारे बहुत लगोगे, मुंह तुम्हारा है ही नहीं कि होस्ट है और मुंह ही नहीं है। सर आप मुझे ये बताएं, आपने व्हाइट सलवार कमीज के साथ ब्लैक जुराबें क्यों पहने? ये आपके नहीं व्हाइट सलवार, लाल पहन लूं मैं, इसके साथ व्हाइट ही अच्छी लगती ना। तेल को क्या हुआ? ये आपका तेल आया हुआ है। और शूज भी आपने ब्लैक पहने हुए, क्या कंट्रास्ट? मत करो ये, इसी के साथ चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। मैं कह रहा हूँ जब औरत बनते हो तो औरत वैसे ही थोड़ा वो, जब मेल फीमेल बनता है तो मेकअप थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। अब तो मैंने मेकअप नहीं ना किया हुआ, पता नहीं शायद वो वाइट वाइट बहुत ज्यादा हुआ आपके। मेरी स्किन ही ऐसी है वो, तो मैं तो लाइट पफिंग करता हूँ। अच्छा आपकी स्किन ही वाइट है? हाँ जी। कैसे है आपने कुछ वो तो नहीं लगाई, वो जो होती है गोरा करने वाली क्रीम? मैं क्रीम में नहीं लगाता। फिर आपका रंग कैसे गोरा हो गया? खुद ही कुदरती गोरा है, जैसे तुम्हारा काला है बल्कि ब्राउन है। तो आप तुमने कुछ लगाया तो नहीं ना? नहीं, ये गॉड गिफ्ट है तुम्हें, तो वैसे ही मुझे भी गॉड। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं लोग हमेशा रंग गोरा करते, काला तो कोई नहीं करता। हाँ लेकिन जो काला पीछे से होके आया हो उसको तो गोरा नहीं किया जा सकता, जैसे तुम्हारा नहीं या जा सकता है। मतलब वो रंग गोरा करने वाली क्रीमें कब काम आएंगी? अच्छा तो आप इस्तेमाल करते रंग गोरा करते? अगर मैं करता होता तो मेरा रंग आप जैसा ना हो जाता। अच्छा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आपने किया हुआ है? मैंने नहीं किया। चले आप ना माने। नहीं तो वो शो हम कब शुरू करने वाले जिसके लिए आपने मैं बुलाया? अच्छा सर मुझे बताएं, हाँ एक ना एक सेगमेंट करते हैं, उसका नाम है इशारे सेगमेंट। मैं आपको मुख्तलिफ इशारे करूंगा, आपने बताना है ये मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कोई ऐसा वैसा इशारा किया ना तो देख लेना फिर। अच्छी बात, जानवर वाला आपने बताना है ये कौन सा जानवर है। अच्छा पहला तो जानवर मैं कह सकता हूँ ना कि ये बंदर है? नहीं नहीं। अच्छा अभी शुरू नहीं किया, अपने मुतालिक नहीं आपने कुछ बताना, दूसरे जानवरों के बारे में बताना है। अच्छा मुझे बताएं ये वही है बंदर जो मैंने आपको बताया? नहीं नहीं नहीं, बिल्ली 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 क्लॉज है ना वो, बिल्ली ऐसे ऐसे करती है। अच्छा वैसे इतनी बुरी बिल्ली मैंने कभी नहीं देखी है ना। ये क्या? ये मेहमान कदरदान का होस्ट? नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। ये कैमल था, कैमल
कैमल। हाँ ये कैमल के कान है, ये कैमल का मुंह है। तुम्हारी तुम्हारा शो है, जो मर्जी बनाओ, कैमल चले, बना चले, लो। चले, चले, अच्छा मुझे बताएं ये क्या? ये वो कहते हैं चिड़िया। नहीं नहीं बकरा, बकरा ये बकरे के सिंग है जो टक्कर मारते हैं ना, जो आप बता रहे थे टक्कर मारता है, वो इस सिंगों से टक्कर मारते है, ये इसका मुंह है। आपको पता ही नहीं है? नहीं मैं इस दुनिया में रहते नहीं हूँ। हाँ हाँ अच्छा अच्छा मुझे बताएं ये क्या? बंदर? नहीं 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 चिंपैंजी। चिंपैंजी अच्छा हाँ वो और वाला टाइप का होता है ना बंदर। वैसे तुम इतने शक्ल से ना समझदार लगते नहीं हो जितने तुम हो। थैंक यू। अच्छा मुझे बताए ये क्या? हाथी? नहीं नहीं ये ना हाथी का बच्चा छोटा। आप मुझे एक मिनट में फोन है। अगर हाथी होता ना वो ये होता। अच्छा हाथी का बच्चा ये यानी छोटी सूंड है ना उसकी। अच्छा हाथी और होता है और हाथी का बच्चा और होता है, ठीक है ना? हाथी है ठीक है। हाँ। बड़ी सूंड। हाँ। ये छोटी सूंड। तुम कौन हो यार? नहीं नहीं मुझे बताओ कि तुम कौन हो। चले आपके सारे रॉन्ग हो गए। हाँ जी सारे रॉन्ग। सॉरी खत्म। सब रॉन्ग हो गए आपको ना जानवरों के ना आपकी इन्फॉर्मेशन। हाँ जानवरों के बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जीरो है। मतलब देखो मेरे सामने बैठा और मुझे नहीं पता चल रहा। अच्छा लास्ट टाइम आपको शर्म कब आई थी? शर्म का कोई टाइम नहीं होता, किसी वक्त भी आ सकती। लास्ट टाइम कब आई थी? वैसे तो अब आ रही है। आ रही है, आ रही है। ये सवाल तुम्हें कौन बताता है? ये कहाँ से लिख के लाते हो तुम? ये एक है बंदा। अच्छा मुझे मिलाना जरा उससे जो तुम्हें ये सवाल लिख के दे रहा है, और वो बंदा भी मुझे जरूर मिलाना जिसने तुम्हें कहा कि तुम ये शो करो। अगर मुझे बताया दो हजार की टिकट अगर फ्री मिल रही है तो आप जाएंगे? मैं आपको और ये जो जारा वीर है या जो हमारी जो भी हीर है इस दोनों को भेजूंगा और छोड़ के आऊंगा। दो ही मिल रही टिकट, एक 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 ही मिल रही। अच्छा। आपको मिल रही है ना, आपका नाम लिखा उस पे। अच्छा नाम लिखा हुआ तो आप जाएंगे। हाँ लेकिन मैं कहूँगा कि ये बंदा मेरे साथ जाएगा, मैं अकेला नहीं उधर। इसी के साथ चलते हैं हम एक अपने सेगमेंट की तरफ। अच्छा एक सेगमेंट अभी सेगमेंट। हाँ हाँ ये हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कटहरा सेगमेंट, ठीक है? कटहरा। उसमें जो सवाल करूंगा आपने सच सच जवाब देना, झूठ नहीं बोलना। अच्छा जी ठीक है ठीक है। चलो चलते हैं कटहरा सेगमेंट की तरफ। कटहरा सेगमेंट इसमें जो सवाल करूंगा आपने सच सच जवाब देना। जी मैं आ गया कटहरे में। अच्छा मुझे बताएं कि आपके मैंने सुना है गुलाब जामुन थिएटर के नाम से आपने कुछ थिएटर शुरू किया हुआ है, कौन सा थिएटर है? गुलाब जामुन नहीं, बर्फी थिएटर प्रोडक्शंस मेरी कंपनी है, थिएटर कंपनी है। बर्फी एक ही बात है ना, गुलाब जामुन हो बर्फी हो, एक डब्बा मिठाई का आता है उसमें दोनों चीजें होती है। नहीं बर्फी जरा चौड़ी होती है, गुलाब जामुन गोल होता है। अब मैं तुम्हारे स्टाइल में तुम्हें जवाब दूंगा। अच्छा आपने एक ऑनलाइन शो शुरू किया था, ठीक है? बल्कि शो शुरू किया, उसका नाम है गुंडागर्दी। गुंडागर्दी नहीं, इंटरनेट पे गुंडागर्दी क्यों करते हैं? गुंडागर्दी नहीं मजाकगर्दी। तो ये गर्दी में क्या करते हैं? इस पे मैं जो उर्दू अदब के नामवर मजाह निगार हैं उनकी शाहकार तहरीरें और उनके मजामीन पढ़ता हूँ। आपने दास्ताने मंटो भी कुछ किया था? हाँ ये अपना वो दास्तान कोई असल में ये एक फ़न है जो इंसान की सोच लो तो पहली इंटरटेनमेंट थी, दास्ताने और किस्से सुनाना। तो ये एक वो रिवायत थी जो ख़त्म हो गई थी सदियों पहले, तो उस चीज़ को मैं दोबारा से रिवाइवल करने के लिए, ज़िंदा करने के लिए वो मैं दास्तान गोई पे काम कर रहा हूँ। तो वो मैंने पहली दास्तान सुनाई है, दास्तान मंटो, मंटो साहब की, सागर सर मंटो साहब की ज़िंदगी और उनके फ़न के मुतालिक, ये भाई वॉल सिटी लॉ अथॉरिटी में ने करवाया। ठीक है ठीक है। ये मंटो साहब ने आपसे, आपने उनसे पूछा था? मंटो साहब, मंटो साहब वफात पा चुके हैं। ओके ओहो। अच्छा आपको ये भी नहीं पता? मुझे नहीं पता था। अच्छा कब हुए फौत? 1954 में। अच्छा मैंने सुना है कि इंडिया में आपकी बड़ी जान पहचान है, यानी उधर ज़्यादा लोग आपको पहचानते हैं, ज़्यादा लोग जानते हैं, मगर आप फिर उधर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? नहीं शिफ्ट होना मतलब ये पाकिस्तान मेरा मुल्क है, वहाँ पर मैं काम करने के लिए जाता। कैसे गए इधर? कोई हमें दूसरे खाना नहीं पूछता आपको, इंडिया लोगों ने कैसे पूछ लिया? बस हो गई कई काम आप देख के, हमारे अपना डायरेक्टर साहब है पंकज सरस्वत जी, बस उनको उन्होंने कहीं देखा हमें, बुलाया कोई हमारा काम वाम देखा तो उनको अच्छा लगा तो वो बुलाते रहते हैं, तो हम उनका वो काम करने के लिए जाते। CIA तो नहीं उन्होंने देख लिया था? नहीं CIA तो अब शुरू हुआ है, उससे पहले अब स्टेज वगैरह उन्होंने देखा होगा। स्टेज अच्छा आप स्टेज भी करते थे? स्टेज करता था जी, 2-3 साल पहले छोड़ा है। अच्छा उन्होंने छोड़ा या आपने छोड़ा? जैसे समझ लें वैसे। क्यों आपने क्यों छोड़ा? यानी कि या आपको पता है स्टेज पे अब
वो नहीं होता कुछ, अभी सिर्फ डांस चांस ही सिर्फ होते हैं। नहीं, ड्रामे होते हैं, बड़े बड़े अच्छे ड्रामे होते हैं, लोग इनके उसके लिए काम कर रहे हैं कि अच्छा ड्रामा भी होना चाहिए, बस मैं नहीं कर पा रहा, वो इनके मैं भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं रख रहे मुझे। नहीं नहीं, वो सही कर रहे हैं, वो सही कर, आप भी सही कर रहे हैं, वो नहीं इतने अच्छे रहेंगे। हाँ नहीं नहीं, अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बस ये कि समझ लो कि ना वो मुझे रख रहे हैं ना मैं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे बता, कपिल के बारे में बताएं। कपिल शर्मा? हाँ, कपिल शर्मा बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और बड़ा ही प्यारा बंदा है वो, और बड़ा बहादुर है। ना सुने वो पाकिस्तानी कॉमेडियन कोई कॉपी शॉपी करता है? नहीं, कॉपी शॉपी क्या, मतलब खुद गूंगा है वो, खुद बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, कॉपी का करना होता है। वो कुछ उसके एक्ट होते हैं वो कॉपीड होते हैं। अच्छा, ऐसी बातें बनी हुई मैंने तो नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं वो खुद, मतलब जो पीछे उसने कुछ 7-8 सीजन जीते हैं वो कॉमेडी सर्कस के, तो वो सारे कॉपी करके जीते। पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो खुद बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, उसको बड़ी आमद होती है वो। मैंने सुना उसके जोक्स आप लिखते हैं? जी, जोक्स नहीं लिखता, कभी कभी कोई एक्ट वगैरह लिख देता हूँ मैं, तो वो खाली मैं अकेला नहीं, और भी सारे बहुत सारे लोग हैं, 5-7-10 लोग होते हैं जो मिलके शो का स्क्रिप्ट लिखते हैं, और फिर वो खुद, अब कपिल शर्मा खुद एक आर्टिस्ट है। आप उधर जाके? जी, उधर भी जाके लिख लेता हूँ, इधर से भी लिख के मेल कर देता हूँ, भिजवा देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें चलें यार। वो कॉपी वॉपी नहीं मेरे ख्याल में, मुझे तो नहीं ऐसा कोई कॉपी, बातें बनी हुई। पाकिस्तान का सबसे अच्छा कॉमेडियन कौन है आपके ख्याल में? पाकिस्तान में सबसे अच्छा जो 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 जिन्होंने हमें प्यार किया, सारे अच्छे हैं, हर हर फूल की अपनी खुशबू है, मतलब तो अमानुल्लाह साहब इज द कॉमेडी किंग, बादशाह हुए वो, फिर उमर शरीफ साहब। मेरा ख्याल है सबसे अच्छे ना वो मीरा जी हैं, उनके जोक सबसे अच्छे। हाँ, मीरा जी है वो तो, फिर वो तो कॉमेडियन ही है। अच्छा, ये जफरी खान और आगा माजिद, इनमें से आपको कौन सा बेस्ट लगता है? दोनों ही बहुत अच्छे। नहीं, कोई एक चूज करना हो, जफरी खान को चूज करेंगे या आगा माजिद? आगा माजिद। आगा माजिद, यानी जफरी अच्छा कॉमेडियन नहीं है? हाँ, आप मेरी उससे लड़ाई कर जरूर करवा देना। हाँ। नहीं, जफरी बड़ा अच्छा कॉमेडियन है, तो आपने यानी वो आगा से कम है? कम नहीं है, कम नहीं है, बराबर ही है, अच्छा है, उसका एक अपना स्टाइल है, आगा माजिद का अपना स्टाइल है। मैंने सुना आपने हलवा पूरी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था? तो मैं चाचे बस्से का बेटा हूँ, मैं हलवा पूरी में, या मैं साधक का बेटा। वो कौन से थे? पूरी, ओम पूरी। अच्छा, ओम पूरी को आपने? अच्छा अच्छा, यार ये बंदा कौन है, ये कहाँ से आया ये? अच्छा, वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ओम पूरी साहब को मैंने पाकिस्तान इन्वाइट किया था। अच्छा, ओम पूरी को पाकिस्तान इन्वाइट किया, फिर वो नहीं आए? आए। अच्छा, आए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक स्टेटमेंट आई कि मरने से पहले एक बार लाहौर देखना चाहता हूँ, तो मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा आर्टिस्ट हैं तो पता नहीं इनका कितना दिल करता होगा, फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो वो कहने लगे हाँ मैं लाहौर देखना चाहता हूँ। सारे ही तकरीबन इंडियन आर्टिस्ट सारे ही देखना चाहते हैं लाहौर पाकिस्तान। टिकट आपने दी थी उन्हें? हाँ जी, मैंने ही भिजवाई थी टिकट, टिकट भी मैंने भिजवाई थी, वीज़ा लगवाया उनका, फिर यहाँ पर उनका प्ले किया, मेरी कंपनी बर्फी थिएटर ने वो प्ले किया, साथ में जो पीछे थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया सारा, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर थे, तो उन्होंने वो सारा अरेंजमेंट करने में मेरी मदद की, तो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और बर्फी थिएटर, उनके कहने पर ये सारा कुछ हुआ। इधर आ जाए, हाँ इधर आ जाए जी, कैमरा यहाँ पे रखे मेरे। अगला, अच्छा मुझे बताओ आपको कौन सी हीरोइन पे क्रश है? या मैं अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ, मैं एक बहुत जरूरी बात करनी है कैमरे में देख के, आखिरी बात, अच्छा फिर आप कर लेना। नाज़रीन, अब हमारे शो का टाइम हुआ जाता है ख़त्म। अपने प्यारे सी होस्ट हीर को इजाज़त दें हमारे खूबसूरत गेस्ट बदर खान के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते फिर मिलेंगे इसी शो में, मेरे नए शो में, हीर सारा के मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया जी।